जिस तरह से कल हेमा मालिनी आई तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की हवा है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो हेमा मालिनी के सभा से ही आपको पता चल जाना चाहिए। आपको जो है 1,500 लोग थे, हाथ उठाना चाहे तो हाथ जो है महज 50 आदमी का हाथ उठा, लोग चल दिया। कल मैंने भी दिलीप वर्मा जी से बात किया, सभा में थे, तो कह रहे कि मैं मुझे फिर से मौका दीजिए, मैं विकास करूंगा, बहुत अपने विकास के ढिंडोरा पीटे, तो क्या कहना चाहेंगे उनके विकास? धोखाबाज हर ठगने वाला आदमी जो है वह जो है 25 वर्षों से सिकटा विधानसभा के जनता को, भोली भाली जनता को ठगने का काम किए हैं और आज फिर वही ठगने वाली बात जो हमको टाइम दीजिए। अरे टाइम 25 होता है, 25 वर्ष से यहाँ की जनता उनको जिताई। यहाँ भी देख लीजिए बगल में नौकरिया पुल, 5 साल में उस पुल का निर्माण नहीं हो सका है। तो आप साल उनको हम लोग देखे हैं। लोगों क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों क्या मैसेज देना चाहेंगे वोट कर वोट पर करें? सारे भेदभाव से ऊपर उठकर केवल विकास के नाम पर लोग वोट दें और नीतीश कुमार जिसने बिहार का रूप बदल दिया, बिहार को एक नई दिशा दिया, मुख्यमंत्री को फिर से एक बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो है जदयू को लोग वोट दे। और जदयू केवल विकास की बात करती है, जात की राजनीति नहीं जमात की राजनीति करती है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार अगर आप जीतते हैं तो क्या मंत्री बन सकते हैं? वो मंत्री वो हमारा काम है काम करना, मंत्री बनने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ, मैं जनता की सेवा करने के लिए बनता हूँ। वो लालची लोग होते हैं जो मंत्री से बात करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सिकटा मैनाटांड विधानसभा क्षेत्र से खुर्शीद आलम जो कि आए हैं मारजादोवा में, जो कि यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं, और मैंने इनसे खास बातचीत की कि किस तरह से सिकटा मैनाटांड के में विकास किया जाए, और इस तरह से यहाँ पर लोगों की ताता सा लगा है। बिहार से मोहम्मद तस्लीम, APNS न्यूज़ एजेंसी दिल्ली के लिए।